गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकाउंट डिस्कस कर रहा हूं। वैसे आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस होनी चाहिए थी। बेटा मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप सभी को? वीडियो क्लियर है बेटा? वीडियो क्लियर है? तो मैं आपको ये बता रहा था कि वैसे शेड्यूल के हिसाब से आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें डिस्कस करना चाहिए था, बट कल क्लास कैंसिल हो गई थी, इस वजह से मैं आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास के लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर लूंगा, ठीक है, जिसमें आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके से एक क्लास को प्लान कर लेंगे। और आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फिनिश करना चाहता हूं, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल टेस्ट देखो जो है, टेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको और टाइम मिलना चाहिए, तो कल टेस्ट नहीं रखेंगे, कल भी क्लास होगी, मतलब पूरी जो है वो 1 आवर 45 मिनट की क्लास होगी, और टेस्ट हम लोग रखेंगे ट्यूसडे को, ठीक है, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को टेस्ट रखेंगे बेटा। तो मैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डिस्कशन स्टार्ट किया था, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मैंने आपको बताया हुआ है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी, और उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन था जिसको हमने लास्ट में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब मैं क्रिस्टल फील्ड थियोरी की आपको लिमिटेशन बताने जा रहा हूं, लिमिटेशन के बाद फिर कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करेंगे, और फिर मेटल कार्बोनिल्स का डिस्कशन होगा, और लास्ट में एप्लीकेशंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हुए चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आप नोट करो, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, नोट करो फर्स्ट पॉइंट लिमिटेशन में। देखो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन है वो इस थ्योरी में यूज होने वाले एजम्पशन की वजह से अराइज होती है। जैसे यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि लीगेंड और मेटल आयन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो मेटल आयन और लीगेंड का इंटरेक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और उसी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से इसकी लिमिटेशन अराइज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इन क्रिस्टल फील्ड थियरी, इन क्रिस्टल फील्ड थियरी द इंटरेक्शन बिटवीन, इन क्रिस्टल फील्ड थियरी द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड द लिगेंड
in crystal field theory, the interaction between metal ion and the ligand is purely electrostatic. Therefore, this theory failed to explain. Therefore, this theory failed to explain. This theory failed to explain the exceptional stability of complexes like the exceptional stability of complexes like metal carbonyl. Where central metal atom is uncharged, and ligand involved is a neutral molecule. For example, NiCO4, FeCO5, CO2, CO8, ये सब मेटल कार्बोनिल है एटसेट्रा. अब यहां पे अगर आप देखोगे, जैसे इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. तो अब आप देख सकते हो कि जब मेटल जो है वो अनचार्ज्ड है और लीगेंड भी अनचार्ज्ड है, लीगेंड भी न्यूट्रल है, तो ऐसे सिचुएशन में इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा वो बहुत ही वीक इंटरेक्शन होना चाहिए. और अगर बहुत वीक इंटरेक्शन इनके बीच में ऑब्जर्व हो रहा है, तो जो फिर जो कॉम्प्लेक्स हम कंसीडर कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल होना चाहिए. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं उसको अनस्टेबल होना चाहिए. जबकि रियलिटी ये है कि मेटल कार्बोनिल आर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. जितने भी कॉम्प्लेक्सेस नेचर में ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस मेटल कार्बोनिल को बोला जाता है. तो मेटल कार्बोनिल की जो एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है इसको क्रिस्टल फील्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती. तो ये क्रिस्टल फील्ड थियरी की बहुत बड़ी लिमिटेशन है. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा लिमिटेशन का? ये लिमिटेशन का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब आप लिखो सेकेंड पॉइंट लिमिटेशन में. लिखो ऑर्डर ऑफ लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ cannot be explained solely SOLELY. Order of ligand field strength cannot be explained solely on the basis of electrostatic ground. For example, ligand field strength of ammonia is greater than
अमाइड आयन, अमोनिया इज ग्रेटर देन अमाइड आयन. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्राउंड पे देखें तो अमाइड आयन का लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा होता है. लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन. लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑक्साइड आयन. ठीक है, लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ग्रेटर देन साइनाइड आयन. जबकि देखो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि इसको अगर देखें तो ये एक एनायन है, तो इसका लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा है. तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन को कंसिडर करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्राउंड पे हम लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये भी एक बड़ी लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थियरी की. तो जब क्रिस्टल फील्ड थियरी के लिमिटेशन की बात आती है तो लिमिटेशन में हम मेनली ये दो लिमिटेशन को कंसीडर करते हैं. ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थियरी के लिमिटेशन में हमें ये दो लिमिटेशन को, दो मेजर लिमिटेशन को कंसीडर करना है. अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो आप जरा एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो बेटा. एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में आप देखो पेज नंबर 259, पेज नंबर 259, पेज नंबर 259 पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखो. बोल रहे हैं इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्न दैट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस is their wide range of colors. ये D block element से ये information consider कर रहे हैं. वहां भी color of transition elements, compound, color of compounds of transition elements को discuss किया गया. उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं. In the previous unit, we learned that one of the most distinctive properties of transition metal complexes is their wide range of colors. This means that some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample. तो बोल रहा है कि ये color क्यों observe होता है? ये basically यहाँ पे सीधे इस line पे इसलिए आ गए क्योंकि ये थोड़ी बहुत information पिछले chapter में discuss हुई है. हम लोग अभी पूरा detail देखेंगे इसका. ठीक है, मैं सारी information को यहीं पे note कराऊंगा. तो बोले this means that some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample. तो जो ये transition metal compounds हैं, specially अब हम यहाँ पे complexes की बात कर रहे हैं, तो जो complex sample है, उस complex sample से अगर white light को pass करते हैं, तो उस white light का कुछ part complex absorb कर लेता है. ठीक है? This means that some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample. तो वो क्यों remove हो गया? क्योंकि वो रेडिएशन वहां पे कॉम्प्लेक्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया. ठीक है, क्यों एब्जॉर्ब कर लिया गया? वो इसलिए एब्जॉर्ब हुआ है क्योंकि वहां पे हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को परफॉर्म करना है. इलेक्ट्रॉन को हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक्साइट कर रहे हैं, या वो अपने आप से एक्साइट हो रहा है, तो उसके एक्साइटेशन में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है. तो जो रेडिएशंस व्हाइट लाइट की वहां पे एब्जॉर्ब हो रही है वो आउटगोइंग लाइट में मिसिंग होगी. ठीक है, इससे आउटगोइंग लाइट का कलर जो है, अगर आप देखोगे तो वो व्हाइट कलर नहीं रहेगा बल्कि वो चेंज हो जाएगा. तो बोल रहे कि सो द लाइट
that emerges is no longer white. The color of the complex is complementary. The color of the complex is complementary to that which is absorbed. तो बोला जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है हमेशा जो ऑब्जर्व्ड कलर होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा. तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को समझने के लिए मैं आपको कलर डायग्राम बताता हूं. तो द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब. द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर. तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा कलर है, बोल रहा है कि जो वेवलेंथ बची रह गई, मतलब जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हुई वही कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा. ठीक है, उसी के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा. तो फिर यहां पे बोल रहे हैं कि इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड. अगर कोई कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कॉम्प्लेक्स हमें कैसा अपीयर होगा, बोल रहा है वो कॉम्प्लेक्स रेड कलर जैसा अपीयर होगा. तो मतलब एक तरीके से ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड है. आगे बोला टेबल 9.3 गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड एंड द कलर ऑब्जर्व. तो कौन सा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा, इसको लेकर के ये टेबल यहाँ पे गिवन है. कुछ कॉम्प्लेक्सेस के रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन है. तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसलिए आपको ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कलर वेवलेंथ भले ना याद हो कि कौन सी वेवलेंथ ऑब्जर्व हो रही है, बट कॉम्प्लेक्स का जो कलर है ऑब्जर्व्ड कलर वो आपको पता होना चाहिए. तो बोले द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रीडली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फ्लूइड थियरी. Consider, for example, the complex TiH2O6+3 positive. इस complex को consider कर रहे हैं, which is violet in color. ये complex violet color का होता है. बोला this is an octahedral complex where the single electron titanium-3 positive, जिसका electronic configuration 3d1 है, तो वहां पे d orbital में एक electron present है. तो बोले दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल डी ऑर्बिटल इज इन द T2G लेवल. तो वो T2G लेवल में प्रेजेंट है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज द MTEG लेवल. जब लीगेंड का अप्रोच होता है तो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी. जो डी ऑर्बिटल्स है वो दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं, तो T2G और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन रहे हैं जिनके बीच में सफिशियंट एनर्जी गैप है. T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच में सफिशियंट एनर्जी गैप है. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये जो T2G सेट में इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके, कौन सी एनर्जी, जो व्हाइट लाइट हम पास कर रहे हैं उसी में से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ये कहां चला जाएगा, ईजी लेवल में चला जाएगा. ईजी लेवल में चला जाएगा मतलब इस T2G से EG लेवल का जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन को परफॉर्म करने के लिए वो सर्टेन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा. तो जिस कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो खुद दिखाएगा. ठीक है, तो यहां पे बोल रहे कि दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द मेटल डी ऑर्बिटल इज इन द T2G लेवल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स. The next higher state available for the electron is the MTEG level. If light corresponding to the energy of blue-green color ki light, blue-green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2G level to EG level. So, pehle configuration kya tha? T2G1, EG0. Ab configuration kya ho gaya? T2G0, EG1. Consequently, the complex appears violet in color. तो ब्लूइश ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा अपियर होगा, वायलेट कलर. कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैं अभी जस्ट बताऊंगा बेटा. कॉम्प्लीमेंट्री कलर बेसिकली ये कलर डायग्राम के बेसिस पे डिफाइंड होता है. ठीक है, वो कलर डायग्राम अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप किसको बोलोगे.
बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है कि जिस कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको छोड़ करके जो रेडिएशंस वहां पे बची हुई हैं, उन रेडिएशंस में से कोई एक कलर को वो दिखाएगा जो डोमिनेटिंग कलर होगा। तो इस तरीके से ये डिसाइड होता है। तो बोले कि कॉन्सिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वायलेट इन कलर, द क्रिस्टल फ्लूइड थियरी एट्रीब्यूट द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू डीडी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये डीडी ट्रांजिशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करती है। आगे क्या इंफॉर्मेशन है, बोला इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द अब्सेंस ऑफ लीगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। अगर लीगेंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होगी। एंड हैज द सब्सटेंस इज कलरलेस। तो ऐसे सिचुएशन में जो सब्सटेंस हम कंसिडर कर रहे हैं वो कलरलेस अपियर होगा। अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी डी ऑर्बिटल्स में, एनर्जी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो फिर ये ट्रांजिशन भी नहीं हो सकता। और अगर ट्रांजिशन नहीं हो सकता तो ऐसे सिचुएशन में जो कलर उस सैंपल से पास हुआ है, जो लाइट वहां से पास हुई है, वो पूरी की पूरी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। मतलब व्हाइट कलर की लाइट अगर पास हुई है तो व्हाइट कलर की लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स व्हाइट कलर्ड होगा या कलरलेस बोलते हैं। तो बोल रहे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर एंड हैज द सब्सटेंस इज कलरलेस। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम Ti H2O6Cl3 ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स Ti H2O6Cl3 है, जब हम इस कॉम्प्लेक्स को हीट करते हैं तो सारा वाटर जो है जो लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाता है और तब ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस TiCl3 बन जाएगा और एनहाइड्रस TiCl3 कलरलेस होगा जबकि ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर्ड है। इसी तरीके से बोला सिमिलरली एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर्ड होता है बट CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर। अब यहां पे वाटर जो है वो एज अ लीगेंड एक्ट कर रहा है तो वाटर के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, CFSE अराइज होगी यानी कि स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग होगी तो डीडी ट्रांजिशन होगा। डीडी ट्रांजिशन अगर होगा तो कॉम्प्लेक्स कलर्ड फॉर्म में अपीयर होगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ द लीगेंड ऑन द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मे बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसिडरिंग Ni H2O6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स Which forms when nickel 2 chloride is dissolved in water. अगर NiCl2 को water में dissolve करें तो ये complex बन जाता है। बोले if the didentate ligand ethane 1,2-diamine is progressively added in the molar ratio 1:1, 2:1, 3:1, अगर हम इस ratio में इसको add कर रहे हैं, मतलब ethylene diamine को add कर रहे हैं, तो ethylene diamine को add करने पे क्या होगा, ethylene diamine वो वाटर को रिप्लेस करके खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा। ये मल्टीडेंटेट लीगेंड की स्पेशलिटी होती है। मल्टीडेंटेट लीगेंड जो है वो क्योंकि मल्टीपल साइट्स के थ्रू मेटल आयन को के साथ वो बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है इसलिए जो मल्टीडेंटेट लीगेंड है वो मोनोडेंटेट लीगेंड को रिप्लेस कर देते हैं। तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से आप देखो कलर चेंज होता जा रहा है। पहले कॉम्प्लेक्स का कलर ग्रीन था, एक ईएन आया दो वाटर को रिप्लेस करके तो उसका कलर कैसा हो गया, पेल ब्लू कलर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी तरीके से अगला इथाइलिन डाइअमाइन आया, दो वाटर मॉलिक्यूल को उसने और रिप्लेस कर दिया तो अब उसका कलर ब्लू और पर्पल हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि फिर से एक इथाइलिन डाइअमाइन मॉलिक्यूल आया और उसने रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल को भी रिप्लेस कर दिया तो अब इसका कलर कैसा हो गया, वायलेट हो गया। बेसिकली जैसे जैसे वाटर रिप्लेस होगा ईएन के थ्रू, क्योंकि ईएन का लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है। ध्यान से समझना यहां पे कलर क्यों बदल रहा है, ईएन का जो लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है वो वाटर से ज्यादा है। ठीक है, तो जब ईएन का नंबर बढ़ेगा तो CFSE बढ़ेगी। ठीक है, CFSE अगर बढ़ेगी तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए लाइट एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट की एनर्जी इंक्रीज करेगी। पहले वो लेस एनर्जेटिक फोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए,
अब वो मोर एनर्जेटिक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा टू परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इस वजह से क्या होगा, जो कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब है वो बदल रहा है, और कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बदलने की वजह से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बदल जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? कॉम्प्लेक्स का कलर लीगेंड में चेंज की वजह से क्यों बदल रहा है? ठीक है, क्योंकि लीगेंड को अगर आप बदल रहे हो तो सीएफएसई बदल रही है, सीएफएसई बदल रही है तो जो कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है वो चेंज हो रहा है, और अगर कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड चेंज हो रहा है तो जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो भी बदल जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स के कलर में चेंज आता है। ठीक है, तो आप इन इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। लिखो लिखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो अ वाइड रेंज ऑफ कलर, अ वाइड रेंज ऑफ कलर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो अ वाइड रेंज ऑफ कलर। लिखो, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ कॉम्प्लेक्स, when white light passes through a complex, then some part of it is absorbed, then some part of it is absorbed by the complex, to perform certain electronic transition, due to which light passes through the complex is no longer white. Light passes through the complex is no longer white. आगे लिखो, the color of the compound thus observed is always complementary to that of the wavelength which is absorbed by the complex. आगे लिखो बेटा, complementary colors can be determined on the basis of following color diagram. अब जरा ये कलर डायग्राम देखना, हमने एक सर्कल को कंसीडर किया, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब फिर एक एक पार्ट के पांच पांच डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पार्ट के पांच पांच डिवीजन हमें करने हैं।
इस तरीके से हमने टोटल इसके 10 डिवीजन को परफॉर्म किया है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो ऑरेंज रेड पर्पल वायलेट, रेड पर्पल, ये रेडिस वायलेट इसको लिख रहे हैं, ठीक है, रेडिस वायलेट, उसके बाद इंडिगो ब्लू, ठीक है, इंडिगो ब्लू, ब्लू के बाद ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, ग्रीन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन, ग्रीन, देन येलोविश ग्रीन, येलोविश ग्रीन, ये है कलर डायग्राम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो येलो ऑरेंज रेड पर्पल रेडिस वायलेट इंडिगो ब्लू ब्लूइश ग्रीन ग्रीन येलोविश ग्रीन। ठीक है, अब देखो अगर ये अगर हम बात करते हैं येलो की, तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर इंडिगो होगा। मतलब अगर ये कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है, अगर येलो इज कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, देन इंडिगो इज कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड। और जो कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड है, इसी को हम कलर ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, कलर ऑफ कंपाउंड हम इसी को बोलेंगे, कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड ही कलर ऑफ कंपाउंड होगा, यानी कि यहां पे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा। तो मतलब इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। उसी तरीके से इंडिगो का अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपसे पूछा जाए, तो इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है। अगर रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपसे पूछा जाए, तो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड? कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड क्या है? हाँ, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड इज ब्लूइश ग्रीन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ पर्पल इज ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर ये कलर डायग्राम आपको आपके दिमाग में है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे नोट करो बेटा, लिखो लिखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है? लिखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ, जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर व्हेन व्हाइट लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस, व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ सैंपल, व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ सैंपल, व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ सैंपल। ठीक है, अब आप नोट करो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, पैरा चेंज करके लिखो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल
two sets of d orbital is small. Is small. And therefore, radiation of appropriate frequency. And therefore, radiation of appropriate frequency. Radiation of appropriate frequency are absorbed. Are absorbed from visible region. Can cause excitation of d electron from one set of d orbital to another set of d orbital. This phenomena is called DD transition. इसको बोलते हैं DD transition. एक set of d orbital से electron दूसरे set of d orbital में transmit हो रहा है by absorbing energy, ठीक है. और वो energy कहां से आ रही है? जो light हम pass कर रहे हैं उसी light का certain photon absorb हो रहा है उस electronic transition को perform करने के लिए, ठीक है. तो अब देखो, इसका मतलब है कि जो complex का color है वो mainly इसकी वजह से होता है. वैसे यहां पे मैं आपको बता दूं कि complex का color जो है वो सिर्फ DD transition का result नहीं होता है, उसके पीछे पोलराइजेशन का कंसेप्ट भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. डीडी ट्रांजिशन अकेला फैक्टर नहीं है कॉम्प्लेक्स के कलर्ड होने के पीछे, बल्कि कॉम्प्लेक्स के कलर्ड होने के पीछे एक फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल है, वो है पोलराइजेशन. लेकिन पोलराइजेशन का जो रोल है वो सेकेंडरी होता है, डीडी ट्रांजिशन इज प्राइमरी इफेक्ट, ठीक है. तो अब देखो बात आती है, आप इस बात को नोट कर लो. देखो, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग टू फैक्टर्स. Number one, DD transition, and number two, polarization. ठीक है. अब इसमें जो ये दूसरा इफेक्ट है पोलराइजेशन, पहले हम इसी को समझ लेते हैं. पोलराइजेशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर हमारे पास ये तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, Ag, NH3, twice Cl, Ag, NH3, twice Br, and Ag, NH3, twice I. हमने ये तीन कॉम्प्लेक्सेस को कंसीडर किया है. आप यहां पे क्या देख रहे हो? आप यहां पे अगर इन तीनों को ऑब्जर्व करो तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो तीनों का फिक्स है. सेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर तीनों में प्रेजेंट है. तो भाई जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर तीनों का फिक्स है, ऑब्वियसली सीएफएसई भी फिक्स होगी. अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिक्स है तो सीएफएसई भी फिक्स होगी. सीएफएसई अगर फिक्स है, इसका मतलब है कि डीडी ट्रांजिशन का तो यहां पे कोई रोल होगा ही नहीं कॉम्प्लेक्स के कलर को डिसाइड करने में.
बिकॉज डी डी ट्रांजिशन सब में बराबर है, है कि नहीं? वही मेटल आयन प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, वही लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो अगर मेटल आयन सेम है, लिगेंड सेम है, तो फिर ऑब्वियसली जो स्प्लिटिंग होगी वो सब में बराबर होगी, और स्प्लिटिंग अगर बराबर होगी तो डी डी ट्रांजिशन का कलर चेंज में कोई रोल नहीं रहेगा। अब बात आती है इनका कलर कैसा होता है, तो ये जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये तो व्हाइट कलर्ड होता है, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स व्हाइट कलर्ड है। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स को अगर कंसीडर कर तो लाइट येलो कलर्ड होता है, लाइट येलो कलर, ठीक है। और अगर तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करें तो ये डार्क येलो कलर्ड होता है, डार्क येलो कलर्ड, ठीक है। तो अब आप देखो कि भाई कलर तो बदल रहा है, तो कलर क्यों बदल रहा है? बोल रहा है कलर इसलिए बदल रहा है क्योंकि एनायन बदल रहा है, यहां पे तीनों में अलग अलग एनायन है, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट है क्लोराइड आयन, यहां पे प्रेजेंट है ब्रोमाइड आयन, यहां पे प्रेजेंट है आयोडाइड आयन। कैटायन सब में सेम है, अगर कैटायन सेम है तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन सेम होगा, ठीक है, कैटायन सेम है तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन सेम होगा, लेकिन एनायन अलग अलग है, इसका मतलब एनायन की पोलराइजेबिलिटी बदल रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी आयोडाइड आयन की होगी क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और सबसे कम पोलराइजेबिलिटी क्लोराइड आयन की। तो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होने की वजह से यहां पे एनायन का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और अगर एनायन का पोलराइजेशन बढ़ता है तो ऐसे सिचुएशन में कलर इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कलर इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर इंटेंसिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स का एनायन का डिग्री ऑफ पोलराइजेशन बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स की कलर इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, जो आप यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये व्हाइट कलर्ड है, ये लाइट येलो कलर्ड है, मतलब क्रीम कलर इसको बोलते हैं, लाइट येलो कलर्ड, एंड दिस इज डार्क येलो कलर्ड। ये समझ में आया बेटा फर्स्ट फैक्टर? इस एग्जांपल के बेसिस पे पोलराइजेशन इफेक्ट क्लियर हो गया आपको? अच्छे से समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? सबका रिस्पांस चाहिए? गुड। तो ये तो हो गया पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है, कलर को डिसाइड करने में पोलराइजेशन इफेक्ट का क्या रोल है। अब इसके बाद बात आती है डीडी ट्रांजिशन की। तो डीडी ट्रांजिशन यानी कि सीएफएसई, डीडी ट्रांजिशन किसके थ्रू गवर्न हो रहा है? सीएफएसई के थ्रू गवर्न हो रहा है। सीएफएसई अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली जो डीडी ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो आप लिखो डीडी ट्रांजिशन में, लिखो लिखो एज द सीएफएसई ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, एज द सीएफएसई ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, the amount of energy required to perform DD transition, the amount of energy required to perform DD transition also increases,
also increases. Also increases. Due to which, change in color of the complex takes place. Due to which, change in color of the complex takes place. ठीक है, ड्यू टू विच चेंज इन कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सीएफएसई जो कॉम्प्लेक्स का है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो एक तो वो डिपेंड करता है लीगेंड के नेचर पे, कि जैसे जैसे लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी सीएफएसई ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, सीएफएसई ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज करेगा. तो आप ये बोल सकते हो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू परफॉर्म डीडी ट्रांजिशन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू परफॉर्म डीडी ट्रांजिशन is directly proportional to CFSE of the complex delta. CFSE of the complex delta. ठीक है, तो अब अगर हम डेल्टा को कंसिडर करें तो डेल्टा इज डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूं मैं, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ligand field strength. Delta is directly proportional to oxidation state of metal ion. मेटल आयन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो सीएफएसई ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, और अगर हम यहां पे देखें तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है. जैसे ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है. तो अगर ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो सीएफएसई ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे एक्सियल अप्रोच होता है लीगेंड का, लीगेंड ज्यादा क्लोज जाता है डी ऑर्बिटल. ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर होगी तो सीएफएसई ज्यादा होगी, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी तो सीएफएसई कम होगी. मतलब आप इससे एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हो कि जो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसकी सीएफएसई कम है. सीएफएसई कम है तो इसका मतलब वहां पर डीडी ट्रांजिशन को परफॉर्म करने में कम एनर्जी वाली लाइट एब्जॉर्ब हो रही है. कम एनर्जी वाली लाइट का मतलब रेड के आसपास का कलर, क्योंकि जो कलर का पैटर्न है वो क्या है, विबगियोर. ठीक है, तो ये लेस एनर्जी वाला कलर है और ये क्या है, हायर एनर्जी वाला कलर. ठीक है, ये लेसर एनर्जी वाला कलर है रेड और ये हायर एनर्जी वाला कलर है. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो कलर एब्जॉर्ब इसके आसपास का कलर होगा. ठीक है, ऑरेंज रेड के आसपास का कलर जो है वो एब्जॉर्ब होगा. और अगर ये वाला कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड है, कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड वो इस रेंज का कलर होना चाहिए. कलर ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड इस रेंज का कलर होना चाहिए. इसका मतलब है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो डार्क कलर्ड होने चाहिए. ठीक है, ऐसा कलर वो एक्वायर कर रहे होंगे. जबकि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रिलेटिवली अगर हम कंसिडर करें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. इस रेंज का कलर को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा.
वैसे उसमें लिगेंड का भी रोल रहेगा कि लिगेंड कौन सा प्रेजेंट, ठीक है, बट सेम लिगेंड के साथ अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऐसे सिचुएशन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डार्क कलर्ड होना चाहिए और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लाइट कलर होने चाहिए, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा वो इस रेंज का कलर को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस रेंज का कलर को ट्रांसमिट करेगा। तो इस तरीके से आप कलर का आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया बेटा, कॉम्प्लेक्स के कलर का डिस्कशन समझ में आ गया। ठीक है, बाकी ये जो एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन गिवन है टेबल के फॉर्म में, उसको आपको आप समझ सकते हो समझ लो, और रट सकते हो तो उसको रट लो, आपको उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पास्ट में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स की, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को समझना है, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो लिखो, नोट करो, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द लिगेंड, बाय द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ द लिगेंड टू अ मेटल आयन, to the metal ion. आगे लिखो, in case of aqueous solution, in case of aqueous solution, in case of aqueous solution, strong field ligand, in case of aqueous solution, strong field ligand displaces water. From the coordination sphere, stepwise as follows. From the coordination sphere, stepwise as follows. तो यहां पर देखो, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना बेटा, कि ये बोल रहे हैं ना कि जैसे वाटर को कोई दूसरा लिगेंड रिप्लेस कर रहा है, इस फिनोमेना को बोलते हैं लीगेंड टू लीगेंड सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं लीगेंड टू लीगेंड सब्स्टिट्यूशन, जिसका सीधा सीधा रूल है, लीगेंड टू लीगेंड सब्स्टिट्यूशन का एक रूल ऑफ थंब है। आप इस बात को समझ लेना कि लीगेंड टू लीगेंड सब्स्टिट्यूशन तभी होगा जब जो लीगेंड रिप्लेसमेंट में इन्वॉल्व है, मतलब जो नया लीगेंड आ रहा है वो पुराने लीगेंड से ज्यादा स्ट्रांग होगा। A strong field ligand can replace a weak field ligand, but converse is not true. नोट में आप इस बात को लिख लेना, a strong field ligand can substitute a weak field ligand, but converse is not true. तो strong field ligand weak field ligand को replace करेगा, लेकिन इसका उल्टा observe नहीं होगा। तो अब जैसे देखो, अगर हम एक complex को consider कर रहे हैं, मान लो ये complex है M H2O N,
फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं एक्स पॉजिटिव, एम एच टू ओ एन एक्स पॉजिटिव। एक बात समझ लेना बेटा, जैसे ही मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन में गया, ट्रांजिशन मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन में गया, अगर कोई दूसरा लिगेंड नहीं है तो नेचुरल मैनर में वहां पे वाटर प्रेजेंट है, वो पहला कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ ही बना लेगा। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा कॉम्प्लेक्स मेटल आयन हमेशा बना करके एग्जिस्ट करता है। फ्री मेटल आयन स्टेबल नहीं होता, तो वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वहां पे जो भी लीगेंड्स अवेलेबल है वो उन लीगेंड्स के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है। तो ये यहाँ पे लीगेंड जो है वाटर है, और वाटर के साथ ये कॉम्प्लेक्स पहले से सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन लीगेंड को ऐड कर रहे हैं। तो पहला लीगेंड आया, फर्स्ट लीगेंड हमने ऐड किया। ये फर्स्ट लीगेंड क्या करता है, ये फर्स्ट लीगेंड वाटर को रिप्लेस करके, ठीक है, वाटर को रिप्लेस करके खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ जाएगा। वाटर को रिप्लेस करके ये खुद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा। मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हम इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट हमने K1 कंसीडर किया। इसी तरीके से क्या होगा सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, MH2O N माइनस वन एल एक्स पॉजिटिव प्लस L, ठीक है, प्लस L। तो क्या हुआ, यहां से फॉर्म हो गया MH2O N माइनस टू L टू X पॉजिटिव प्लस H2O। अब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, इसी तरीके से, ठीक है, अगर हम NH स्टेप को कंसीडर करें तो NH स्टेप में क्या होगा, आप देखो सेकेंड स्टेप में N माइनस वन है, सेकेंड स्टेप में यहां पे क्या है N माइनस वन है। तो अगर हम NH स्टेप में कंसीडर करेंगे तो NH स्टेप में क्या होगा, NH स्टेप में होना चाहिए MH2O MH2O L N माइनस वन X पॉजिटिव प्लस L MH2O L N माइनस वन X पॉजिटिव प्लस L गिव्स M L N X पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KN बोल रहे हैं, KN। इस तरीके से स्टेप वाइज क्या होगा, वाटर बाहर निकलता जाएगा और वो नया जो लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आता जाएगा वन बाय वन। अगर हम इन सारे स्टेप्स को ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम इन सारे स्टेप्स को ऐड कर देते हैं तो इनको ऐड करने पे क्या मिला बेटा, इनको ऐड करने पे ये मिल गया MH2O N X पॉजिटिव प्लस NL गिब्स गिब्स ML N X पॉजिटिव प्लस NH2O। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो Kf या K स्टेबिलिटी, Kf या K स्टेबिलिटी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट को कंसीडर करो तो केमिकल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के बेसिस पे आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि अगर आप n नंबर ऑफ स्टेप्स को ऐड करके एक फाइनल स्टेप डिटरमाइन कर रहे हो तो फाइनल स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उन इंडिविजुअल स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं यहां पे कि दिस इंप्लाइज Kf दैट इज K स्टेबिलिटी, Kf दैट इज K स्टेबिलिटी
इज इक्वल टू के वन इंटू के टू अप टू के एन, ये हम बोल सकते हैं। अब जरा देखो बेटा, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हो, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट कब ज्यादा होगा? स्टेबिलिटी कांस्टेंट तब ज्यादा होगा जब ये K1, K2 अप टू KN ये वैल्यूज बड़ी होंगी। अगर K1, K2, K3, K4 अप टू KN वैल्यूज ये लार्ज वैल्यूज है तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्ट वैल्यू भी बड़ी होगी और वही प्रोडक्ट वैल्यू के स्टेबिलिटी है। तो अब बात आती है कि इंडिविजुअल स्टेप्स का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये कैसे गवर्न होगा। बोल रहा है ये इस बात के बेसिस पे डिसाइड होगा कि मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। मेटल और लीगेंड के बीच में अगर जो बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस as the bond strength between central metal atom or ion and the ligand increases. Central metal atom or ion and the ligand increases. Central metal atom or ion and the ligand increases. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंटली कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट को देखना पड़ेगा। अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये जितना कुछ मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये समझ में आ गया बेटा। ये सारी स्टेप वाइज एनालिसिस और ओवरऑल रिएक्शन जो हमने लिखा हुआ है, फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये वाला एक्सप्रेशन, ये सारी बात समझ में आ गई ना आपको। चलो अब आप नोट करो factors affecting stability of the complex। इसमें लिखो it depends upon नंबर वन लिखो charge density of the central metal ion। तो इसमें लिखो बेटा higher the charge density
हायर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, हायर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, greater will be the stability of the complex. Greater will be the stability of the complex. Greater will be stability of the complex. So charge density of metal ion. अगर आप इसको देखो तो क्या है चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू आयनिक चार्ज ऑन मेटल एटम डिवाइडेड बाय आयनिक साइज ऑफ मेटल एटम. चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल आयन इज इक्वल टू आयनिक चार्ज ऑन मेटल एटम डिवाइडेड बाय आयनिक साइज ऑफ मेटल एटम. तो मेटल एटम का आयनिक चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, Stability of the complex is directly proportional to charge density of metal ion. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बेटा कि अगर हम consider करते हैं iron 2 positive को और iron 3 positive को, iron 2 पॉजिटिव एंड आयरन 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैटायनिक चार्ज कम है, यहाँ पे कैटायनिक चार्ज ज्यादा है. तो कैटायनिक चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी. तो आप नोट कर लो, लिख लो, ड्यू टू दिस फैक्ट इन प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल लिगेंड्स, in presence of identical ligands and identical coordination number ferric complexes are more stable than that of ferrous complexes. Ferric complexes are more stable than that of ferrous complexes. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि Fe(H2O)6-3 positive is more stable than that of Fe(H2O)6-2 positive. FeCN6-3 negative is more stable than that of FeCN6-4 negative. ठीक है, ये charge density of metal ion के basis पे decide हो रहा है. ये समझ में आ गया बेटा ये पूरा डिस्कशन, फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड. सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड फैक्टर, लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ द डाइवेलेंट मेटल आयन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज
ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज is decided on the basis of Irving Williams order इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अब ये इरविंग विलियम्स ऑर्डर क्या है रटना पड़ेगा आपको। इरविंग विलियम्स ऑर्डर को आपको रटना पड़ेगा। तो क्या है मैग्नीज टू पॉजिटिव के लिए सबसे कम, मैग्नीज टू पॉजिटिव के बाद, मैग्नीज टू पॉजिटिव के बाद है बेटा आयरन टू पॉजिटिव, फिर उसके बाद कोबाल्ट टू पॉजिटिव, उसके बाद निकल टू पॉजिटिव, फिर कॉपर टू पॉजिटिव, फिर जिंक टू पॉजिटिव। ये इरविंग विलियम्स ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्डर को देखो तो मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ये एक ही पीरियड में आते हैं लेफ्ट टू राइट, यही सीक्वेंस है इनका। एटॉमिक नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आप देख रहे हो कि मैग्नीज ऑनवर्ड्स जो मेटल आयन है, अगर आप आइडेंटिकल लीगेंड के साथ इनका कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करो, ये सब अगर सेम लीगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। आप बोल सकते हो MnH2O6 2 पॉजिटिव इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ FeH2O6 2 पॉजिटिव इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ CoH2O6 2 पॉजिटिव is less stable than that of NiH2O6 2 positive and so on। बात आती है ऐसा क्यों है, क्यों ये order observe हो रहा है। तो आप इसके पीछे effective nuclear charge को responsible बोलोगे, इसके लिए ENC responsible है। left to right जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हर बार डी ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं। डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की जो लीगेंड है लीगेंड के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, और लीगेंड के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है मेटल और लीगेंड के बीच में, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से इरविंग विलियम्स ऑर्डर के बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। बट ये ऑर्डर सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D सीरीज बाइवेलेंट मेटल आयन के लिए एप्लीकेबल है। 3D सीरीज बाइवेलेंट मेटल आयन के लिए ही हम इसको हमेशा कंसीडर करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, लिखो थर्ड पॉइंट, नोट करो, लिखो द साइनो एंड अमाइन कॉम्प्लेक्सेस आर फार मोर स्टेबल than the complexes formed by halide donor and sulfur donor ligands
हैलाइड डोनर एंड सल्फर डोनर लिगेंड्स. लिखो, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ल्यूस बेसिक कैरेक्टर. This is due to the strong Lewis basic character of amine and cyano ligands. Liklo, therefore we can say that greater the basic strength of the ligand, greater will be the stability of the complex. With some exception, यहाँ पे कुछ exception भी होंगे, जैसे वो अमोनिया अमाइड आयन का केस, वाटर हाइड्रोक्सिल आयन का केस, वो exception में आएंगे. With some exception, ठीक है. अगला point लिखो बेटा, बहुत important point है ये. लिखो, chelating ligands. Chelating ligands form more stable complexes in compare to monodentate ligands. Chelating ligands form more stable complexes in compare to monodentate ligands. अब इसका मतलब क्या है जरा समझो. इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है सीआर ईएन थ्राइस थ्री पॉजिटिव, सीआर ईएन थ्राइस थ्री पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सीआर एनएस थ्री सिक्स थ्री पॉजिटिव, ठीक है. इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो सीआर ओएक्स थ्राइस थ्री नेगेटिव ओएक्स यानी कि ऑक्सलेट आयन, सीआर ओएक्स थ्राइस थ्री नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सीआर ओएच सिक्स थ्री नेगेटिव. अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, ये है मल्टीडेंटेट लिगेंड और ये क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड है. मेटल आयन हम सेम ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, मेटल आयन सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तो मल्टीडेंटेट लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी मोनोडेंटेट लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस से हमेशा ज्यादा होगी. ऐसे आप यहां पर भी देख रहे हो, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, मल्टीडेंटेट लीगेंड जो मेटल आयन के साथ आइडेंटिकल मेटल आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं वो कॉम्प्लेक्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मोनोडेंटेट लीगेंड. एक और पॉइंट लिखो सर, इसका कोई रीजन भी होता है क्या? देखो, इसका रीजन ये है कि जो मल्टीडेंटेट लीगेंड है ना, वहां पे लीगेंड जो है मेटल आयन को मल्टीपल साइट्स के थ्रू उसने पकड़ रखा है. आप अगर उस लीगेंड को अलग करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उस लीगेंड को अलग करना चाहते हो तो आपको एक साथ वो सारे बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे. जब तक आप सारे बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते लीगेंड मेटल आयन को नहीं छोड़ता, जबकि मोनोडेंटेट लीगेंड में क्या होगा, सिर्फ एक बॉन्ड के थ्रू वो मेटल आयन से बाउंड है, बस उसी बॉन्ड को तोड़ दो वो अलग हो जाएगा.
इसको मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट पॉइंट लिख लेना, लास्ट पॉइंट लिखो, इफ द लीगेंड इन्वॉल्व्ड इज मल्टीडेंटेड, इफ द लीगेंड इन्वॉल्व्ड इज मल्टीडेंटेड and it is cyclic without having steric effect, then stability of the complex is further increased. This phenomena is called macrocyclic effect. This phenomena is called macrocyclic effect. ठीक है, तो जैसे देखो बेटा, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स को सीआर पाई सी फाइव एच फाइव ट्वाइस, सीआर पाई सी फाइव एच फाइव ट्वाइस पॉजिटिव, एक कॉम्प्लेक्स ये है CR pi C5H5 twice positive, और दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने कंसीडर किया है CR CR मान लो हम कंसीडर कर रहे हैं अगर हमने कंसीडर किया EN thrice, CR EN thrice, three positive. ये दो कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा। अब यहां पे आप देख रहे हो कि ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल कार्बन आयन है, जो कि क्या है, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है। साइक्लोपेंटा डाइनाइल कार्बन आयन पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, और इसमें अगर आप देखो तो यहां पे जो है मतलब वो EN है, EN मल्टीडेंटेड लिगेंड है। अब अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, मेटल आयन सेंट्रल मेटल आयन दोनों में सेम है, क्रोमियम थ्री पॉजिटिव दोनों में प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो लिगेंड है वो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट दिखाएगा, ये जो लिगेंड है वो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये प्लेनर है तो ये कम हिंड्रेंस ऑफर करता है, इसका स्टेरिक इफेक्ट कम हो। ठीक है, और ये जो सेंट्रल मेटल है उसको मल्टीपल साइट्स के थ्रू पकड़ रहा है, पांच कार्बन के थ्रू ये मेटल को पकड़ रहा है, मेटल के साथ बॉन्डेड है, और क्या है वो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिखाता, क्योंकि वो खुद प्लेनर स्ट्रक्चर को एक्वायर करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की वजह से, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपेयर में, इसको मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आपको मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है ये समझ में आया? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या है ये क्लियर हुआ बेटा? ठीक है,
मैं आपको बता दूं कि नेचर में ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की वजह से ऑब्जर्व होते हैं और बहुत स्टेबल होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली पोरफाइरीन रिंग के साथ Fe2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स होता है। पोरफाइरीन रिंग होती है उसके साथ Fe2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन, बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, वहां पे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी सी साइक्लिक रिंग होती है, उस साइक्लिक रिंग के अंदर 4 नाइट्रोजन डोनर होते हैं और वो नाइट्रोजन डोनर साइमल्टेनियसली वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि बहुत ही स्टेबल होता है ड्यू टू मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स, जैसे हम इसको कंसिडर करें क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो क्लोरोफिल के अंदर जो है वहां पे क्लोरोफिल में बताओ कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है? हाँ, मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम आयन वहां भी पोरफाइरीन रिंग के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है और वो पोरफाइरीन रिंग जो होती है वो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट दिखाती है, इस वजह से एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोरोफिल में भी मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी मिलती है, हीमोग्लोबिन में भी मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबिलिटी मिलती है, और सिमिलर कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 होता है, सिमिलर कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B12, साइनोकोबालामीन बोलते हैं उसको, साइनोकोबालामीन विटामिन B12। ठीक है, तो विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है बेटा? विटामिन B12 में कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इसके अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी गुड चिराग, वेरी गुड, +3 होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये भी मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट में एक तरीके से आप ये समझो कि जो लीगेंड है वो मल्टीपल डोनर साइट्स के थ्रू मेटल के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, और लीगेंड को कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, जिससे कि वो मिनिमम हिंड्रेंस ऑफर करे। तो ऐसा जहां पे होगा वहां मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट अगर ऑब्जर्व होगा तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो बेटा, मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल ठीक है, तो जरा NCERT निकालो। पेज नंबर 261, पेज नंबर 261 पे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल ये हेडिंग गिवन। तो अब जरा देखो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल में क्या है, बोला कि द होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड्स ओनली are formed by most of the transition metals. These carbonyl have simple well-defined structure. Tetracarbonyl nickel 0 is tetrahedral. Pentacarbonyl iron 0 is trigonal bipyramidal. While hexacarbonyl chromium 0 is octahedral. ठीक है, तो यहां पे बोला गया कि NiCO4 कैसा है? टेट्राहेड्रल। FeCO5 कैसा है? बोल रहे हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और क्या है, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं सी आर सी ओ सिक्स, सी आर सी ओ सिक्स, तो सी आर सी ओ सिक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा इनका, तो बोल रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, नहीं इसका हाइब्रिडाइजेशन है dsp3, dsp3, और अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है, ये समझ लेना, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड प्रेजेंट है तो हंट्स रूल वायलेट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो, सब में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो जैसे निकल है, तो निकल के केस में अगर आप देखो तो निकल के केस में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 4s2 3d8, 4s2 3d8, 3d में अगर आप देखो तो 2d ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहां पे स्प्लिटिंग होगी, स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग होगी, तो वो जो d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनकी पेयरिंग हो जाएगी, तो एक d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। अब जो d ऑर्बिटल खाली हुआ उसमें वो जो 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो जाते, 4s वाले दो इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाते, मतलब d10 हो गया, 4s खाली, 4p वैकेंट। अब क्या होगा, चार लिगेंड आ रहे हैं, चार लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, इस तरीके से यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हम इसको कंसीडर करें FeCO5, FeCO5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 4s2 3d6, 4s2 3d6, d6 मतलब चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ जाएंगे, t2g ऑर्बिटल्स, छह इलेक्ट्रॉन t2g ऑर्बिटल में, दो eg ऑर्बिटल खाली हो गए। अब क्या होगा, जो 4s वाला दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला गया, eg में, ठीक है, 4s वाला इलेक्ट्रॉन eg में चला गया, एक eg ऑर्बिटल खाली है, वो d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल और तीन 4p ऑर्बिटल यूज होंगे dsp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ऐसे ही आप इसको समझ सकते हो, CrCO6 क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5 क्रोमियम का, 4s1 3d5, और यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, वो जो d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, d5 है तो, d5 है तो दो d ऑर्बिटल पूरे भरे होंगे और एक में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट होकर के उसमें चला जाता है, जहां पे जिस d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब t2g फिल हो गया कंप्लीटली, eg दो खाली हो गया, 4s खाली है, 4p खाली है, तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होना चाहिए। समझ आया बेटा हाइब्रिडाइजेशन तीनों में कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, मैं जिस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है अप्रोच। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो खुद बॉक्स डायग्राम बना करके आप देख लेना, स्प्लिटिंग के बाद कैसे पेयरिंग होगी, कौन सा ऑर्बिटल खाली होगा, कितने कितने लोन पेयर आ रहे हैं, कितने ऑर्बिटल उसके लिए चाहिए, वो ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, जो ऑर्बिटल्स वहां पे प्रेजेंट है उनकी इंटरमिक्सिंग होकर के हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल जाएगा। अब जरा आगे देखो क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो मतलब Mn2CO10, Mn2CO10, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज जीरो Mn2CO10,
डेका कार्बोनिल डायमैग्नीज जीरो इज मेड अप ऑफ टू स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 यूनिट्स ज्वाइंट बाय मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड. स्क्वायर पिरामिडल बोला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. देखो एक तो होता है DSP3 और SP3D हाइब्रिडाइजेशन. अगर इसमें यूज हो गया DZ स्क्वायर, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात बता रहा हूं आपको. अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया DZ स्क्वायर, तब तो इसका ज्योमेट्री होगा TVP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. अगर यहां पे जो इंटरमिक्सिंग हो रही है ना, इस इंटरमिक्सिंग में DZ स्क्वायर मिक्स हुआ है, तो DZ स्क्वायर अगर इंटरमिक्स होगा तो TVP ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनेगा. और अगर यही हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, यही हाइब्रिडाइजेशन हमने कंसीडर किया, बट इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हुआ DX² Y². अगर इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हुआ DX² Y² ऑर्बिटल, तब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा स्क्वायर पिरामिडल. तो आप यहां पे कंफ्यूज हो सकते हो, FeCO5 है. FeCO5 में बोला गया इसका ज्योमेट्री है TVP, और MnCO5 हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है बेटा, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन DSP3 है MnCO5, बट इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल है. आपको समझ में आया दोनों की ज्योमेट्री में डिफरेंस क्यों है? दोनों की ज्योमेट्री में डिफरेंस क्यों है, समझ में आया? ठीक है, इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा DZ स्क्वायर, ये TBP वाले में FeCO5 में DZ स्क्वायर इंटरमिक्स हुआ होगा, और इसमें DX² Y² सर. थ्योरेटिकली तो नहीं बता सकते ना कौन सा यूज होएगा? थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अगर होगी तो बता सकते. ठीक है, तो MnCO5 को अगर आप देखो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, जरा विजुलाइज करना बेटा. देखो MnCO5 का अरेंजमेंट कैसा होगा, यहाँ पे मैग्नीज हो गया सेंटर पे, चार ये जो स्क्वायर, एक स्क्वायर वहां पे उसके सराउंडिंग में समझ लो, स्क्वायर के वर्टेक्स पे चार कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएंगे और एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आ जाएगा. तो स्क्वायर बेस और उसके ऊपर एक कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक पिरामिड बन जाएगा उन चारों के साथ. ऊपर वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बाकी चारों कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक पिरामिड बना लेगा. तो स्क्वायर बेस पे पिरामिड बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे. अब क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता है MnCO5, क्योंकि EN इसमें फॉलो नहीं होता. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका आप देखोगे, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 का है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 है, इसलिए क्या होता है ये डाइमराइज हो जाता है. डाइमराइज होकर के क्या बना लेता है, Mn2CO10. डाइमराइज होकर के ये बना लेता है Mn2CO10, तब उसका EN जो है वो 36 होता है. तो डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज जीरो इज मेड अप ऑफ टू स्क्वायर पिरामिडल MnCO5 यूनिट्स ज्वाइंट बाय अ मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड. ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो, CO2CO8 की बात कर रहे हैं. ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जीरो हैज अ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज्ड बाय टू कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप्स. स्ट्रक्चर जो है आपको इनका पता होना चाहिए. तो Mn2CO10 का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो इसको. Mn2CO10 का स्ट्रक्चर कैसा है,
Mn2CO10 ये स्ट्रक्चर है बेटा Mn2CO10। देखो अभी मैंने जैसा बताया था कि मैग्नीज स्क्वायर, मैग्नीज के सराउंडिंग में स्क्वायर बेस है, उसके ऊपर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, नीचे कुछ नहीं है। ऐसे ही नीचे उसका अपोजिट एक MnCO5 को रख दो, फिर क्या होगा, ये मैग्नीज दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। CO2CO8 में स्ट्रक्चर कैसा होता है? CO2CO8 का स्ट्रक्चर ऐसा है, एक तो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होता है, तीन कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड यहां पे टर्मिनल लीगेंड, तीन कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड यहां पे टर्मिनल लीगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और तीन कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड, तीन नहीं दो, दो कार्बन मोनोऑक्साइड लीगेंड ब्रिजिंग लीगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2CO8 CO2CO8। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर हम Fe2CO9 का स्ट्रक्चर को देखें, Fe2CO9 ठीक है, तो तीन कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे टर्मिनल लीगेंड के फॉर्म में, तीन कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे टर्मिनल लीगेंड के फॉर्म में, और तीन कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे ब्रिजिंग लीगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा ये है Fe2CO9 का स्ट्रक्चर। एक तो इनका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्लस मेटल कार्बोनिल में कौन स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी के लिए हमेशा क्या देखना है, EAN रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। EAN रूल अगर फॉलो हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, नहीं फॉलो हो रहा है तो फिर आपको देखना है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है या डाइमराइज होगा। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता करोगे, अगर EAN से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो लूज करना चाहेगा, मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर EN से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर EN से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या वो डाइमराइज होगा। ठीक है, बाकी एक बात और, ये कॉम्प्लेक्सेस इतने स्टेबल क्यों होते हैं, तो ये स्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होते हैं। तो अभी देखो आज तो मैं क्लास का टाइम हो गया, तो एक तो ये बैक बॉन्डिंग जो होती है मेटल कार्बोनिल में, ये मुझे डिस्कस करना है, और एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कल की क्लास में मैं इस चैप्टर को समराइज करूंगा बेटा, और जो टाइम हमारे पास अवेलेबल होगा कल, उस टाइम में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और अब मैं थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे टाइम बढ़ाऊंगा, क्योंकि पिछले दो वीक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास कम हुई है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टाइम बढ़ाऊंगा। तो कल इस चैप्टर को समराइज करेंगे और फिर हम लोग एल्कीन का डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।